तो कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो मोस्ट इंपोर्टेंट पेपरों की श्रृंखला चल रही है उसमें आज सेट बी का अपन सॉल्यूशन देखेंगे। सेट ए का अपलोड कर दिया गया, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना, ए बी सी डी ई एफ भी आपको सब कुछ मिलेगा। बढ़िया से कंप्लीट करो, आप तो वादा किया है तो निभाऊंगा और आपको टॉपर बनाऊंगा, कसर कोई बात की नहीं छोड़ी जाएगी। आप तो यहाँ से तरीका सीख सकते हो, इन्हीं तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा, ये बात आप जरूर दिमाग में बिठा लो। चलिए तो नो टेंशन होकर निश्चिंत होइएगा। चिंता किस बात की, चिंता नहीं करनी है, ठीक है भैया, चिंता से चित घटे। आप तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदी में आपको मदद करी, संस्कृत में भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। रामेण इति रूप का रूपम कस्य विभक्ति अस्ति, तृतीय विभक्ति आ जाएगा। राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम, तो राजा ना आ जाएगा। रमा इति शब्द से बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो इसका जाएगा रमा नाम आ जाएगा, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करो, आप तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या आती तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ, और आपको मैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं, रियल पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप IMP पेपर इतने अच्छे कराऊंगा ना मैं आपको, आपको अच्छे से करेंगे। संस्कृत में पास होना बहुत ही आसान है, निबंध याद कर लो, अवकाश याद कर लो, दो श्लोक याद कर लो, थोड़े बहुत इसमें से फंस जाएंगे, बात खत्म, पास है, क्या है पास होने में, ठीक है। रामाभ्याम इति पदम कस्य वचनस्य अस्ति, द्विवचनस्य। इदानीं वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती बृह समा जाएगा। अधो लिखित सु अव्यम नास्ति, तो यहाँ पर अस्तु आ जाएगा। आ जाएगा आपका भोजनम, ये आ जाएगा भोजनम। दूसरे में आ जाएगा गीतानी, तीसरे का आपका काननम, चौथा जो रहेगा वक्रम रहेगा, पांचवे में आपका समलम रहेगा, और छठा जो है वो आपका सार्थकम का आ जाएगा निरर्थकम, ठीक है भैया। यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा, आप तो मेहनत करिएगा अच्छे से, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसको, ठीक है, उसके कदमों में रहेगी। 100% दावा है, मैं आपको 90% से ऊपर बनाने में पूरी सहयोग कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप तो बढ़िया से मेहनत करेगा, है ना भैया। सूर्य प्लस उदिया, सूर्योदय यानी इसमें कौन सी संधि है, तो गुण संधि है। त्रिभुवनम में आपका समास है दिग्गु समास, सदैव में आपका वृद्धि संधि है, सदैव में कौन सी संधि, वृद्धि, वृद्धि संधि है। हिमालय में आपका दीर्घ संधि रहेगा, हिमालय में कौन सी संधि रहेगी भैया, दीर्घ संधि। त्रिमुखी, त्रिमुखी में आपका समास जो है वो द्विगु समास है, क्या है, द्विगु समास। अनुरूपम में आपका अव्ययी भाव समास रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं, एक पदेन उत्तरम, ठीक है। कुर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तुमुन तुमुन। गतवान अत्र का प्रत्यय, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो गतवान में आपका कतवतु प्रत्यय, कतवतु, ठीक है। नेतुम इतस्मिन, नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, नेतुम में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो देखिए नेतुम में भी आपका कत्वतु प्रत्यय रहेगा, ठीक है भैया। केसाम माला रमनिया हरित तरु ललिता नाम, यहां पर हम लिख लेते हैं हरित तरु, हरित तरु ललित, पूरा लिख देता हूं सही से, हरित तरु ललित, ललित ललित हो गया, लता नाम, ठीक है। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती बुद्धि, ठीक है। मनुष्य नाम महान रिपु का आलस्यम, ठीक है। अब है आपका आम नाम है, गमिष्यति इतस्मिन पदे लट लकार अस्ति, ना एकदम राइट रहेगा। अप्रश्यन इतस्मिन पदे लंग लकार अस्ति, आम रहेगा। गच्छामि इतस्मिन पदे, गच्छामि इतस्मिन पदे एक वचनम अस्ति, आम। लभन्ते इतस्मिन पदे मध्यम पुरुष अस्ति, लभन्ते में कौन सा मध्यम पुरुष है, ना, ठीक है। दुर्व्यवहार इतस्मिन पदे दूर
उपसर्ग अस्ति ना, दुष्कर्मम में भी आपका दू उपसर्ग है, नहीं दूर उपसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो गया है। केसा माला रमनिया, तो यह हरित तलु ललित लता लली लता नाम। ठीक है, अतिथि केन प्रबद्धता, देखिए ये मैंने जो निशान लगाया है इसकी जगह पर ये वर्ड आपको फिट कर देना और पूरा लिख देना, और ठीक है इस तरह से अपना पूर्ण विराम लगा देना है। इंद्र दुर्बल वृष्वस्य कष्टानि, ठीक है ये इसका जवाब वृष्टि। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना है ना, जो बच्चा मेहनत करेगा ना सफलता उसे जरूर मिलेगी। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, 11, 12। अब 12 में आपका देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिए फटाफट, आप तो ध्यान से समझिए है ना भैया। चलिए, मम दुग्ध रोचते, तो मम का आ जाएगा महाम दुग्ध रोचते। पत्रा पतंती, तो पत्रा पतंती का जाएगा पतरानी पतंती। गणेशा नमहा, गणेशाय नमहा आ जाएगा। सैनिक अश्वेन पतती, तो इसका अश्वाद आ जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 15 की देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 में आप आएंगे रिक्त स्थान। ठीक है, अब रिक्त स्थान में भी पहला है पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, पर्यावरण की सुरक्षा करना ही हमारी प्रकृति की आराधना है, यानी भक्ति है। ठीक है, आवक्रता यथा, आवक्रता यथा चित्ते। ठीक है, उल्लू का जाएगा आपका आत्मसलाह गहिन। अन्य श्याम वदने ये तू ते चचु नरमानी, तो इसका जाएगा मते। ठीक है, काका मेद्या मेद्य बक्षा। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा समान सिल व्यवसन व्यवसन नेसु का जाएगा सख्यम। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करें। मैंने कहा ना आपकी बार 90% दावा है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, पूरी तैयारी कराने की जवाबदारी मेरी है आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 से 2-2 नंबर के जो सवाल है ना, क्वेश्चन है, इन सबको 3-3 नंबर के जो बड़बड़े रहेंगे इन सबका मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, है ना, ये यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना, ये इसके बाद में यहाँ से रहेगा ये। ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करिए आप तो, है ना भैया, ये देख लीजिएगा। अब यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इन सबका सॉल्यूशन 3-3 नंबर का, मैंने कहा ना आपको अलग से ही समझाया जाएगा वो सारी चीजें, है ना। चलिए ये हो गया इतना, इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो ये